हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केदार जरबड़े और आप देख रहे हैं केदार अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल। तो दोस्तों, फिर से इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया प्रोडक्ट जिसको मैं करूंगा अनबॉक्स। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये है एमआई का फिटनेस बैंड, जो कि है एमआई बैंड 3। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि अगर आप खरीदते इस बैंड को तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है इसके प्रोडक्ट के बॉक्स में। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको दूंगा अपना फर्स्ट इंप्रेशन इस प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये रहा एमआई का बैंड जो कि है एमआई बैंड 3। और आज के इस वीडियो में मैं इसको आपको पूरा ओपन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है। और दोस्तों, साथ ही ये जो बॉक्स है मैंने पहले ओपन कर लिया था, तो इसलिए मैंने फिर से इसको पूरा सामान रख दिया ताकि मैं आपके सामने दिखा सकूं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के अब हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कीजिए केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन मेरे लेटेस्ट वीडियो के सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का एक सिंपल सा बॉक्स मिलता है हमें एमआई बैंड 3 का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स में हमें मिल जाती है एमआई की ब्रांडिंग, और यहाँ पे भी हमें एमआई की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये एक छोटा सा बॉक्स हमें मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंदर जो है हमारा फिटनेस बैंड रखा हुआ है जो कि एमआई बैंड 3। तो अब मैं इसको फटाफट ओपन करता हूँ। तो सामने आपको जो है यहाँ पे स्लिप मिल जाएगी एक ओपन करने के लिए, तो मैं इसको पुल करता हूँ। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें मिलता है हमारा एमआई बैंड। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टिकर दिया है, तो मैं इसको पकड़ के पुल करता हूँ। तो जैसे इसको पुल करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो है हमारा है बैंड, फिटनेस बैंड जो कि है एमआई बैंड 3। और इसको मैं सबसे पहले ये जो कार्डबोर्ड जो है इसमें से बाहर निकाल लेता हूँ। तो आपको कुछ ऐसे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो चुका है खाली। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एमआई बैंड 3, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है ये हमारा एमआई बैंड 3। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर से जो है ये रहा हमारा रिस्ट बैंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है ब्लैक कलर का, और इसमें और भी डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये निकाल देते हैं, थर्माकोल इसमें आया है। तो यहाँ पे आपको जो है एमआई बैंड 3 का जो फिटनेस बैंड है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और अगर हम बात करूँ इसकी रिस्ट बैंड की, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप इजिली आप इसको अपने हाथों में बांध सकते हो, और ये बहुत ही कम्फर्टेबल भी है। और इसके बाद अगर हम जाएं बॉक्स में, तो जैसे कि यहाँ पर हमें मिल जाती है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी इंस्ट्रक्शन मैनुअल। और अच्छी बात ये है इस मैनुअल की फ्रेंड्स कि ये जो मैनुअल है ये आप है इंग्लिश में, तो आप इस मैनुअल को पढ़ सकते हैं आराम से। तो अभी मैं रख देता हूँ उसको साइड में। उसके बाद जब आप बॉक्स को ओपन करेंगे फ्रेंड्स, तो जिसके आप देख सकते हैं मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो है चार्जिंग केबल। तो आपको इसके साथ मिलता है एक चार्जिंग केबल, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको इसके साथ अडेप्टर नहीं मिलता, तो आप कोई से भी दूसरे अडेप्टर से इसमें प्लग इन करके आप इसको आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको मिलता है इस बॉक्स के अंदर। और ये बॉक्स जैसे आप देख सकते हैं पूरा खाली हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है एमआई बैंड 3 का बॉक्स, और इसमें जो है पीछे हमें स्पेसिफिकेशंस दिए इस बैंड के बारे में, जैसे कि ये है एमआई बैंड 3 और ये फिटनेस बैंड है, ये प्रोडक्ट का नाम है। और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो कलर है इसका रिस्ट बैंड का वो है ब्लैक कलर का। और वाटर रेजिस्टेंस की हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये 50 मीटर्स तक आप इसको ले जा सकते हैं, मतलब डीप आप वाटर में भी इसको ले जाएंगे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बैंड को। और अगर हम बात करें बैटरी कैपेसिटी की फ्रेंड्स, तो इसमें हमें मिलती है 110 mAh की बैटरी, और ये जो बैटरी है यह लिथियम आयन पॉलीमर की बैटरी। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम इसमें देखें वायरलेस कनेक्टिविटी की, तो ये हमें मिलता है इसके साथ ब्लूटूथ 4.2, जिसके थ्रू हम इजीली अपने मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर हमें दिए डायमेंशन इस फिटनेस ट्रैकर के, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेंथ, वेथ और हाइट वगैरह कितनी रहेगी। और बात करें फ्रेंड्स अगर हम कंपेटिबिलिटी की, तो ये आराम से एंड्रॉयड 4.4 या फिर उससे जो ऊपर की डिवाइसेज है उससे कनेक्ट हो जाता है, या फिर जो हमारा iOS 9.0 या फिर उससे ऊपर की डिवाइसेज से ईजिली कनेक्ट हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर हमें दिया है कि कंटेंट कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें मिलता है एक फिटनेस ट्रैकर, उसके बाद हमें एक रिस्ट बैंड देखने को मिलता है इसके अंदर, साथ ही हमें मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, और साथ में हमें मिलता है यूजर मैन्यू। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें MRP जो है वो लिखी है 2,199 rupees। पर फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने परचेस किया अमेजन से, तो ये आपको आराम से 1,999 जो कि राउंड ऑफ में 2,000 rupees में आपको मिल जाएगा। तो ये सब हमें मिलता है हमारे बॉक्स के अंदर। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारा फिटनेस
बैंड जो कि MI बैंड 3। उसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारा रिस्ट बैंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा रिस्ट बैंड है, और उसके साथ हमें मिलती है इसके साथ चार्जिंग केबल, हमें इसमें कोई अडेप्टर नहीं मिलता। साथ में हमें मिल जाता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसे कि आप देख सकते हैं, और खास बात यह है इस मैनुअल की कि ये है इंग्लिश में, तो आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ हमें मिलता है इस बॉक्स के अंदर जो कि मैंने आपके सामने ओपन करके दिखाया। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारा MI बैंड 3 का फिटनेस बैंड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो अगर हम डिज़ाइन देखें तो ये काफ़ी एक स्टनिंग लुक देता है। और साथ ही दोस्तों जैसे अगर हम इसके जो ओल्डर वर्जन देखें MI बैंड के, जैसे कि हम 2 देखते हैं तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप में आता था, मतलब पूरा कर्व नहीं था। पर अगर आप देखें तो इसमें हमें सामने मिल जाती है OLED स्क्रीन, और साथ ही दोस्तों ये साइड से जो है सर्कुलर है जैसे कि आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स पीछे जो है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है हार्ट रेट मॉनिटर इसमें, और साथ में आपको यहाँ पे पीछे मिल जाती है MI की ब्रांडिंग। और अगर फ्रेंड्स अगर हम देखें फ्रेंड्स साइड में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है एक कट मिलता है। तो इससे फ्रेंड्स होता यह है कि ये जो यहाँ पे ऐसी डिज़ाइन दी गई है कट की, तो इससे बहुत ही रिजिडली ये जो MI बैंड का जो है ये फिटनेस बैंड जो है ये आपका जो रिस्ट बैंड है उसमें बहुत ही टाइटली जो है फिक्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो पहले हमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाती थी कि MI के जो बैंड है वो बहुत ही आसानी से रिस्ट बैंड से बाहर निकल जाते थे, तो वो अब MI बैंड 3 में आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये बहुत ही रिजिडली जो है आपके रिस्ट बैंड में फिक्स हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी अब नहीं गिरेगा। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस MI बैंड 3 की, तो ये है फ्रेंड्स वाटर रेजिस्टेंट, और साथ ही ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट। और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे पूरे OLED स्क्रीन है, और साथ ही यहाँ नीचे आपको जो है एक बटन मिलती है जो कि डिम्पल टाइप की बटन है। तो अब मैं आपको ये इसमें फिट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसको एक साइड से ऐसे यू फिट कर दीजिए, उसके बाद इसको आप ऐसे पकड़ के दूसरी तरफ से इसको ऐसे प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ये है फिट हो चुका है। और अगर आप इसको देखें फ्रेंड्स तो बहुत ही एक प्यारा लुक भी देता है, एक स्टनिंग लुक भी देता है। और अगर बात करूं फ्रेंड्स मैं इसकी वेट की, तो ये बहुत ही लाइट वेट है, आपको इसे फील भी नहीं होगा अगर आपने इसको पहना है कि आपने वाकई कुछ पहना है, क्योंकि इसका जो वजन है वो वाकई बहुत ही कम है। और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके का जो है ये लुक हमें देता है, और बहुत ही प्रीमियम लुक भी लगता है। और अगर बात करूँ फ्रेंड्स इसके रेट की, ये कितने का पड़ा, तो फ्रेंड्स ये मुझे 1999 रुपीस का मैंने परचेस किया अमेजन से। तो उस हिसाब से ये जो फिटनेस बैंड है ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब बजट में है, और इसमें बहुत ही सारे हमें दूसरे फंक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं इसमें। तो अगर आपको ये चार्ज करना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका एक साइड में आपको ये जो वाला जो पोर्शन है जहाँ पे नीचे आपका दो डॉट दिख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है आपको ये चार्जिंग केबल आपको दी गई है, आपको इसको इसमें फिट करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें फिट कर लीजिए अच्छे से, और जैसे ये टाइटली फिक्स हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद आप कहीं भी या तो आप अडेप्टर से इसको चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो जैसे कि मैं अभी लैपटॉप से आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे आप कुछ फिट कर दीजिए, उसके बाद ये चार्जिंग होना ये शुरू हो जाएगा, तो ऐसे आप आराम से चार्जिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें बैटरी बैकअप की, तो MI की जो कंपनी है वो क्लेम कर रही है कि इसका जो बैटरी बैकअप है आप एक बार चार्ज करेंगे तो 20 डेज तक चलेगा। पर फ्रेंड्स जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया अभी थोड़े दिन, तो ये आराम से 15-16 डेज तक आपको बैटरी बैकअप देता है एक चार्ज में, तो ये बहुत ही बढ़िया बैकअप दे देता है हमें उस हिसाब से। तो फ्रेंड्स तो ऐसे कुछ आपको होम स्क्रीन देखने को मिलती है MI बैंड 3 में। और आप चाहे तो आप इसको ऊपर की तरफ ऐसे स्वाइप कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे दूसरे जो है चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि आपने कितने स्टेप्स वॉक किया आप वो देख सकते हैं, हार्ट रेट जो है आप वो देख सकते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स हार्ट रेट जानना है कि आपका क्या है, तो उसके लिए आपको ये जो नीचे एक बटन दी गई है आप इसको प्रेस करके होल्ड करके रखिए, उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो हार्ट रेट मॉनिटर है ये ऑन हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इससे आप इजिली जो है आपके हार्ट रेट को जो है मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जाए नीचे फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल मैंने इसे अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट नहीं किया है, तो ऐसे आप ऊपर नीचे जाके दूसरे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, उन नोटिफिकेशंस को आप डायरेक्टली आपके जो MI बैंड 3 है इसमें आप देख सकते हैं। आप बस इसको फ्रेंड्स देख सकते हैं, आप उनका रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये होम बटन है, तो आप जैसे स्क्रीन ऑफ होती है तो आप इसको जैसे ही मतलब आप देखिएगा कि अब जैसे इसकी स्क्रीन ऑफ होगी, जैसे मैं वेट करता हूँ कि जैसे इसकी स्क्रीन जो ऑफ होगी तो आप ये इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन वापस आ जाएगी। और जैसे कि यहाँ पे मोर ऑप्शंस भी आपको देखने मिल जाएंगे,
और जैसे कि नोटिफिकेशन हुआ, आप ट्रेडमिल जो है आप उसमें कितना डिस्टेंस चल रहे हैं उसकी भी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे फिर आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अब जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप राइट की लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच देखने को मिल जाएगी, तो इसको आप प्रेस और होल्ड करके रखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका स्टॉप वॉच ऑन हो जाएगी। आप चाहे तो आप इस पर क्लिक करके ऐसे पॉज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, खासकर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय ये स्टॉप वॉच आपको बहुत काम में आ सकती है। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब आप अपने MI Band 3 को पेयर करते हैं अपने मोबाइल डिवाइस से, तो इसकी मदद से आप आपके मोबाइल डिवाइस को भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम और देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है स्क्रीन, तो फ्रेंड्स आप चाहे तो आपका जो लेआउट है मतलब जो होम स्क्रीन है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आप चाहे तो आप ये रख सकते हैं अपनी होम स्क्रीन, नहीं तो आप चाहे तो उसको नीचे नीचे और जाके आप ये वाली भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, आप इनमें से जो भी आपको पसंद आती है आप उस लेआउट को आपकी होम स्क्रीन बना सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिर डिवाइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ जो है MI Band 3 जो है आपको इतने सारे नए फीचर्स के साथ अपने को देखने को मिलती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो मेरे होम स्क्रीन है फिलहाल, इसमें आप टाइम देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पे नीचे आप डेट भी देख सकते हैं कि क्या है आज की डेट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो है आपको पसंद तो इस वीडियो को जरूर कीजिए लाइक, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जो कि है केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल, ताकि ऐसे वीडियोस आपको इन फ्यूचर में भी मिल सके। और दोस्तों साथ ही आप मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये जो फिटनेस बैंड है MI Band 3 आपको कैसा लगा। और अगर आपने इससे पहले MI Band 2 यूज किया है तो MI Band 2 और MI Band 3 में क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिले, क्या ये वर्थ है परचेस करना 2019 में MI Band 3, आप मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।